Your internet is not good. How can we continue? Anyways, so what you want to ask? हेलो मैम, हेलो हेलो। हाँ ओके जी यस 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 प्लीज आस्क। हेलो, यस आई एम हियर प्लीज आस्क व्हाट यू वांट टू नो। आई एम हियर व्हाट यू वांट टू नो। तो आपको मैं स्क्रीन शेयर करके भी बताता हूँ मेरा प्रॉब्लम था। यस ओके एंड प्लीज टॉक इन इंग्लिश बिकॉज यू नो इट्स एन इंग्लिश एग्जाम सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू नो। यस डू यस, आई शेयर ट्राई टू बट हाँ ओके ओके आई हैव मेड यू इन होस्ट नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके ठीक। यह तो पहली बार है, ऐसे पता ही नहीं चलता क्या करने का। स्क्रीन शेयर करने गो टू शेयर स्क्रीन एंड क्लिक ऑन दैट एंड दे विल गिव यू डिफरेंट ऑप्शंस। चूज द वन वेयर यू हैव ओपन योर ऐप यू नी योर पीटी रेलिवेंट स्टफ। पूछ रहे डॉक्यूमेंट फोटो वेब यूआरएल, तो मैं वेब में जाऊँ उसमें नहीं वेब क्लिक स्क्रीन शेयर ऑन करूँ। शेयर स्क्रीन फर्स्ट क्लिक ऑन शेयर स्क्रीन। ऑन योर जूम क्लिक ऑन शेयर स्क्रीन। ओके वेट। हेलो, स्क्रीन दिखा दे रहे आपको? हेलो, आई कैन नॉट सी इट नाउ आई कैन ओके वेट, मैं अब सीन। ओके, नो बट आई दिस इज माय हाँ ओके शो मी दैट हाँ ओके सो व्हाट शो द स्टफ दैट यू वांट हैव क्वेश्चंस अबाउट। राइट व्हाट यू वांट फ्रॉम टू आस्क सी अबाउट समराइज समराइज रिटन टेक्स्ट आई हैव ऑलरेडी शेयर मेड अ वीडियो प्लीज वॉच इट बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम ऑन दिस मीटिंग ना। ओके ओके मैं आपको बताता हूँ मेरे टेस्ट का है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं मेरा को कितना प्रॉब्लम, इसमें से 70% है, उसमें से 80% स्पीकिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा प्रॉब्लम तो रीडिंग में है, देख सकते हैं आप। सो रीडिंग हाउ टू डू फिल इन द ब्लैंक्स रीड एंड राइट दैट ऑल्सो आई मेड अ वीडियो यू कैन चेक इट। बट मैं आई ट्राई टू ऑल वीडियो, वेट सॉरी, आई सीन ऑल वीडियो बट नॉट, क्या करें मैं।
प्रॉब्लम आ रही है कि क्या, किसमें मेरा मार्क कम आ रहे हैं, किसमें डाउन हो रहे हैं, उसकी कोई मुझे पता ही नहीं चल रहा है देखें, आप कि कौन सा। एक जगह पे रुके ना, एक एक करके चीजें पूछे ना, पहले एक जगह पे जाए ना। ओके ओके, रीड अलाउड में मार्क कैसे, पहले से ही बताया कि रीड अलाउड में क्या करते हैं, मार्क आप कैसे एक कम रीड करते अलाउड हैं। मुझे पढ़ के दिखाएं, मैं यहाँ म्यूट कर रही हूँ अपना माइक, आप उसको ना रीड अलाउड पढ़ के दिखाएं, फिर मैं आपको बताऊंगी आपकी मिस्टेक्स क्या है। ठीक है, मैं यहाँ से म्यूट कर रही हूँ, आप रीड अलाउड खोलें कोई एक। वो क्या ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ मैम। हाँ, मैं यहाँ से म्यूट कर रही हूँ, आप पढ़ के उसको फिर मुझे बताएं। अराउंड 150 मिलियन ईयर अगो, 70 स्पीसीज ऑफ रेवेंटाइल क्लोजली रिलेटेड टू द मॉडर्न डे क्रोकोडाइल रोम एंड द अर्थ। नाउ न्यू रिसर्च रिवील अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन क्लाइमेट चेंज, स्पीसीज कॉम्पिटिशन एंड हैबिटेट्स कैन हेल्प एक्सप्लेन वाई जस्ट 23 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल सर्वाइव टूडे। ओके डन मैम। सबमिट करें ना इसको। ओके सर, नाउ गो टू क्लिक ऑन स्कोर। ओके ओके मैम। ओके, नाउ सी द प्रॉब्लम्स विथ योर इज, एक तो रेड रेड आ रहा है, उसकी इतनी टेंशन इसलिए ना लें क्योंकि आप ना उस पर पढ़ रहे थे, जो आपने माइक यहाँ पे भी कनेक्ट किया हुआ है और वहाँ पे भी, तो इसमें वो थोड़ी जो हमारी डिवाइसेस है ना वो थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उसकी आप इतनी टेंशन ना लें, आपने बंद कर दिया। ठीक है, दूसरा आप ना कॉमास वगैरह पे सही जगह पे रुक नहीं रहे थे, जहाँ आपको पॉजेस लेने चाहिए थे वहाँ नहीं ले रहे, जहाँ आपको लेने चाहिए वहाँ नहीं ले रहे। ठीक है, दूसरी आपको देखिए फ्लुएंसी का मसला है, आप यही पैराग्राफ दिखाएं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे पढ़ूंगी। मैं देखा हुआ आपको, आपको दिख रहा है तो आप पढ़ लीजिए। यहाँ से आपने नहीं, मुझे वो असल वाला दिखाया ना, यहाँ आपका वो मिस्टेक्स है ना, तो मैं वो गलत वाला नहीं पढ़ना चाह रही। ओके ओके कौन सा था? देखिए इसको इस तरह पढ़ते हैं। अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो, 700 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स क्लोजली रिलेटेड टू द मॉडर्न डे क्रोकोडाइल रोम द अर्थ। मैं बोलूं मैं बात बोल रही हूँ। अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो, 700 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स क्लोजली रिलेटेड टू द मॉडर्न डे क्रोकोडाइल रोम्ड द अर्थ। नाउ न्यू रिसर्च रिवील्ड हाउ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन क्लाइमेट चेंज, स्पीशीज कॉम्पिटिशन एंड हैबिटेट कैन हेल्प एक्सप्लेन वाई जस्ट 23 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल सर्वाइव टूडे। देखिए मैंने किस तरह स्लोली स्लोली पढ़ा, और जहाँ कॉमर्स थे वहाँ मैं रुकी थी, और थोड़ा सा मैंने पोज एंड पे भी लिया था। ठीक है, तो ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि वो आपको वो नहीं हो रहा था। अब आप दोबारा इसको पढ़ें और मैं आपको बता, मैं आपको वहां वहां टोकूंगी जहां आपने गलत पढ़े होंगे। ठीक है, दोबारा ओके, इसको मेरा पढ़ें। एक प्रॉब्लम मेरा इसमें आता है कि जो नंबर आता है ना 17 और 250 मिलियन, तो उसमें 100,000 में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, अगर आपको देखें इस तरह प्रॉब्लम है तो आप 700 तो खैर आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये तो पता है ना, मैथ्स तो नॉर्मल है। हाँ अगर आसान है बात है, हाँ वही अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप बात एक है, लेकिन एक फिर एक कभी दो कंफ्यूज वर्ड स्किप कर होता सकते है। हैं, एक दो वर्ड स्किप कर सकते हैं, ओके ओके ज्यादा नहीं। आप इसको दोबारा पढ़ें, सबमिट वबमिट नहीं करना, बस पढ़ाई मुझे सुनाएं। राइट। ऑडियो मेरा स्टार्ट करो कि ओनली आपको ही सुनना है। बस मुझे सुनना है। अराउंड 250 मिलियन ईयर अगो, 700 स्पीसीज ईयर ऑफ क्यों रेप्टाइल पढ़ा? क्लोज। ईयर्स लिखा हुआ है ना, ईयर क्यों पढ़ा? ईयर्स लिखा हुआ है ना, सही तो पढ़े, दोबारा अराउंड पढ़े। 150 मिलियन ईयर्स 150 तो अगो, नहीं लिखा हुआ, 200 लिखा हुआ है, 250।
सही पड़े, अराउंड टू जोर से फिफ्टी पड़े, लिखा जल्दी तो बहुत करेंगे, जल्दी करेंगे तो नुकसान आप ही का है। जब 250 लिखा हुआ है तो आपने 150 क्यों पढ़ा? दोबारा पढ़े अराउंड। अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो 700 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल क्लोजली रिलेटेड टू द मॉडर्न डे क्रोकोडाइल रोमन द अर्थ रोमन नहीं है, नाउ रोम्ड है, रोम्ड है। रोम हाँ रोम द अर्थ नाउ ठीक है, आगे। न्यू रिसर्च रिवील्स हाउ अ कॉम्प्लेक्स हैबिटेट कैन हेल्प एक्सप्लेन व्हाई Why just 23 हैबिटेट तो स्पीसीज नहीं, ऑफ क्रोकोडाइल सर्वाइव? कॉम्प्लेक्स हैबिटेट तो नहीं लिखा हुआ, इंटरप्ले लिखा हुआ है। दोबारा पढ़े, आपने हैबिटेट पढ़ा क्यों? हाउ अ कॉम्प्लेक्स ओके स्पीसीज कॉम्पिटिशन हाउ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन क्लाइमेट चेंज स्पीसीज कॉम्पिटिशन एंड हैबिटेट कैन हेल्प एक्सप्लेन व्हाई जस्ट 23 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल सर्वाइव टुडे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आप इसको दोबारा पढ़े, मैं म्यूट कर रही हूँ। मेरी दुआ है कि आप 44 से आपके ऊपर मार्क्स आएंगे। ठीक है, आपने पहली बात कोमा में रुकना है, दूसरा गौर से देखें क्या लिखा हुआ है। 250 लिखा हुआ है, 150 नहीं लिखा हुआ था, ईयर्स लिखा हुआ था, आपने ईयर पढ़ा था। ठीक है, तो आपने ये चीजें ध्यान से रखनी है, और जल्दी नहीं करनी, जल्दी का काम शैतान का होता है। आपने इत्मीनान से, सुकून से पढ़ना है। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एकदम जब आपकी हैबिट बन जाएगी ना, आदत बन जाएगी, फिर आपका फ्लो बन जाएगा, जब आप खुद अपने बारे में कॉन्फिडेंट होंगे। तो 3-4 मिस्टेक्स मैंने आपको आपके बता दी। ठीक है, और आपने पढ़ा अराउंड, अराउंड पढ़ के आपने पोज ले लिया, वहां कोई पोज नहीं था। आप पढ़े अराउंड 250 मिलियन ईयर्स को, आपने अराउंड करके आप चुप हो गए थे। ठीक है, तो जल्दी नहीं करे, सुकून से पढ़े। अभी अभी भूल जाएंगे आप एग्जाम दे रहे हैं, अभी सिर्फ आपको इतना है कि आप सुकून से पढ़ रहे हैं, आप सही लफ्ज पढ़ रहे हैं, आप कोई लफ्ज मिस नहीं कर रहे, आप कॉमा पे रुक रहे हैं। ठीक है, अभी उसकी टेंशन फिलहाल ना लें। ठीक है, अब दोबारा पढ़े, और मैं म्यूट पे रख रही हूँ। कॉमा पे छोटा सा ब्रेक लेना वो बात करें ना छोटा हाँ, सा ब्रेक कॉमा लेने कॉमा पे छोटा आपने 1 सेकंड का ब्रेक लेना है, और अराउंड के बाद कॉमा नहीं था और आप वहां रुके थे, बिला वजह क्यों रुकना है? ठीक है, मैं म्यूट कर रही हूँ, अब आप दोबारा इसको पढ़े। अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो 700 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल क्लोजली रिलेटेड टू द मॉडर्न डे क्रोकोडाइल रोमन द अर्थ Now new research reveal how a complex interplay between climate change, species competition and habitat can help explain why just 23 species of crocodile survive today. इधर गांव में बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छा, आपने रोम्ड को दोबारा गलत पढ़ा, तो अगर जो लफ्ज आपको नहीं आता ना, आप 2-3 लफ्ज स्किप कर सकते हैं, आप उसको स्किप कर देते। ऐप यूनी आपको गलती देगा अगर आप रोम या कोई वर्ड स्किप करेंगे, मगर पियर्सन वाला आपका मार्क्स नहीं काटेगा। अभी कोई फर्क आया है? पहले 44 थे, अभी कितने आए? क्लिक ऑन स्कोर करें, क्लिक ऑन स्कोर करें। क्या प्रॉब्लम आएगी? कितने आए? ये क्या ओ क्या कुछ देख रहे हैं आप? प्रॉब्लम आ गई वो असल में ना कुछ प्रॉब्लम मसला आएगी ये कि आपने यहाँ पे भी कनेक्ट किया हुआ है ना मेरे साथ, तो वो आपके उसने आवाज हाँ उठाई नहीं है। ठीक कोई है, आप बाद में ना बात नहीं देख। आपने मुझे हाँ मैं असल में, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा हाँ असल में वो यहाँ पे भी अपने फोन पे चला रहे हो, फोन पे पढ़े ना, तो प्रॉब्लम देगा आपको उसकी, वो आप परेशानी ना लें, टेंशन ना लें। ठीक है, बात करें रिपीट सेंटेंस आप फ्री हो तो बात हाँ आप इन जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई है ना, वो आप उनको देखिएगा। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग जो है ना आपके नेट पे नहीं रखूंगी, मैं सिर्फ आपको भेज दूंगी।
आप इसको ना जब भी अपना रीड अलाउड करने लगे ना, पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा कि मैंने आपकी क्या क्या गलतियां निकाली हैं, और फिर आप उसको रीड अलाउड कीजिएगा, ठीक है? दूसरा दूसरा मिस्टेक बताएं कौन सी है। दूसरे में मिस्टेक तो है कि वो डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर हाँ का जो डिस्क्राइब, टेम्पलेट है ना वो चले मेरे पास, चले मैंने कहा था ना एक एक करके चलना है, अब डिस्क्राइब इमेज पे आए। मेरे को ऐसा है कि आपको कोई आप एक डिस्क्राइब जल्दी इमेज, नहीं डिस्क्राइब इमेज पढ़े, मैं देखूँ आप उसको पढ़ते कैसे हैं। असल में ना अभी अब मुझे ये दुरुस्त करना है आपका कि आप चीज़ों को पढ़ कैसे रहे, फिर उसको इम्प्रूव कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? और ये जो टेम्पलेट वगैरह है ना, ये इतने ज़रूरी नहीं है, असल बात है कि आपने उस टेम्पलेट को इस्तेमाल कैसे करना है। तो एक डिस्क्राइब इमेज पढ़े, मैं देखूँ कैसे पढ़ते हो, अभी उसको हमने स्कोर नहीं देखना। बोले इन डिस्क्राइब इमेज, कोई भी खोले। अच्छा अब मुझे बताए इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़े इसको आप, इसमें आपकी आपकी है ये 57? ना वो मेरे अच्छा लिए अच्छा चले इसको पढ़े कैसे पढ़ेंगे आप, वैसे स्क्रीन छोटी है, ऊपर जाएं पढ़े इसको। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, मैं आपको खाली आपको सुना था वो कैसे था। हाँ, बस मुझे पढ़ के सुना है, मैं देखना चाह रही हूँ पढ़ते कैसे हो। द गिवन इमेज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लांट्स, इट इज वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड आई हैव टू स्पीक फॉर 40 सेकंड्स अबाउट दिस इमेज। देयर आर डिफरेंट एलिमेंट इन द इमेज व्हिच आर फर्म्स कॉन्फ्रेंस एंड फ्लावरिंग एंड प्लांट्स। आई कैन आल्सो सी अ मोसिस एंड कैंटी। वन ऑफ द एलिमेंट इज मैक्सिमम एंड द अदर इज मिनिमम। देयर आर अ डिफरेंट कलर इन द इमेज व्हिच आर ब्लू ब्लैक ग्रीन रेड एंड येलो। टू कंक्लूड द इमेज इज वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ। देखें टेम्पलेट यूजली वहाँ दिया जाता है, चाहे वो राइट एसे का टेम्पलेट हो, चाहे वो रिटेल लेक्चर का टेम्पलेट हो, चाहे वो समराइज स्पोकन, जहाँ कंटेंट कम दिया हुआ होता है ना वहाँ टेम्पलेट यूज़ किया जाता है, ताकि ना हम जो बोलने के सेकंड्स, जितने सेकंड बोलना है वो हम मीट कर सके रिक्वायरमेंट, और हम कंटेंट बोल सके, ठीक है? अब देखिए जहाँ ऐसी पिक्चर दी हुई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है, वहाँ इतना टेम्पलेट की बातें बोलना ज़रूरी नहीं है। आपने टेम्पलेट की हर बात बोल दी, मगर यहाँ पे जो लिखी हुई चीज़ें थी ना उसमें से चीज़ें स्किप किए, आपको टेम्पलेट की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 चीज़ें दी हुई थी, आप ऐसे ही इसको पढ़ लेते आपको फुल मार्क्स मिलते, यहाँ पे टेम्पलेट की जरूरत थी नहीं। जहाँ पे कोई ऐसी पिक्चर आ रही है जहाँ पे बहुत सी कम चीज़ें लिखी हुई हैं, तस्वीर में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, वहाँ आप टेम्पलेट यूज़ करें, ठीक है? जहाँ ऐसी तस्वीर दी हुई है जहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है, तो वहाँ बेहतर है कि आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ लें, आपके लिए इनफ है। क्योंकि अगर आपने 30 सेकेंड्स बोलना है और तस्वीर में कम लिखा हुआ, तो आप टेम्पलेट से हेल्प ले सकते हो। अगर आपने ऐसी चीज़ पढ़नी है तस्वीर जिसमें बहुत ज़्यादा सामान चीज़ें लिखी हुई है, मटेरियल स्टफ दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप टेम्पलेट की, आपने जो बोला ना सारी लाइनें टेम्पलेट की बोल दी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? जैसे मेरे पास एक टेम्पलेट था, मैं आपको अभी ना रटा हुआ मैं आपको बताती हूँ, मैं ये तस्वीर नहीं पढ़ी, मैं टेम्पलेट बता रही हूँ। हियर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक एट द पिक्चर, बाय लुकिंग क्लोजली आई कैन सी सेवरल ट्रेंड्स आर इमर्जिंग, आई विल स्पीक अबाउट 40 सेकंड्स ऑन द टॉपिक विच इज अबाउट, एंड इन कंक्लूजन इट इज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पिक्चर। अब ये 4-5 लाइनें मैं अगर बोलूँ पढ़ूंगी ना, तो मेरे 10 सेकंड गुजर जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों में मैंने 10 सेकंड गुजार लिए, और मैंने तस्वीर में दी हुई कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी, तो मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जो लैंग्वेज एग्ज़ाम है, उनके अंदर ना ये जो तस्वीर के अंदर चीज़ें दी हुई, ये इन्फॉर्मेशन फीड की हुई है, उसके अंदर मेरा टेम्पलेट फीड नहीं हुआ हुआ, उसको ये अल्फाज चाहिए जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो उसको बताऊँ कैसे पढ़ते हैं, मैं अब ये तस्वीर पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है? हियर इज एन इन्फॉर्मेटिव पिक्चर। अब मैंने जो टेम्पलेट आपको पढ़ा पहले बताया, उसमें 6 लाइनें मैंने वो खुद से बताई, मैंने इस तस्वीर का कुछ नहीं पढ़ा, मगर क्योंकि अब मैं जब पढ़ूंगी तो मुझे पता है कि इस तस्वीर में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मुझे टेम्पलेट की सारी 6 लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं यही चीज़ें पढ़ूंगी। मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मटीरियल मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो अब देखें मैं इसको कैसे पढ़ती हूँ। हियर इज एन इन्फॉर्मेटिव पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, इट द टॉपिक इज अबाउट द डिफरेंट प्लैनेट्स, आई कैन सी देर इज, असल में ना मैं आपको अपने मोबाइल से पढ़ रही हूँ ना, आपका मुझे बड़ा छोटा नजर आ रहा है, तो एक मिनट रुके मेरे मोबाइल में मैं इसको खोलती हूँ।
फिर वहां से पढ़ती हूँ, ठीक है? 1 सेकेंड दे दे मुझे। आपको अभी तक मेरी बात समझ आई है? हाँ समझ रहे, लेकिन मेरा एक बात है कि इतना सारा तो हमें इंग्लिश भी नहीं आता है कि हम तो मुंबई यही तो इतने टाइम बात में है ना, हम यही तो यहाँ बात है। अगर मतलब आपको अंग्रेजी नहीं आ रही तो ये इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है आपने सिर्फ वही पढ़नी है। यही ओके तो तो इमेज में वो पढ़ती है, बस इम्प्रेशन यही में पढ़ना है। पढ़ती है। हाँ, आपको खुद से कोई अंग्रेजी याद नहीं रखनी। आप एक बार कीजिए मुझे। मैं पढ़ती हूँ 1 सेकेंड। यही तो खूबसूरती है, जहां पे ज्यादा मटेरियल दिया हुआ हो ना तस्वीर में, वो बहुत जबरदस्त होता है। उसके लिए आपको टेम्पलेट भी याद से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ही जो लिखा हुआ है आप वही पढ़ लो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो 1 सेकेंड ना, मैं इसको, एक मुझे मिनट दे दे, मैं इसको खोलती हूँ। तो टेम्पलेट तब इस्तेमाल होता है जब तस्वीर में इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो। यहाँ पे ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन तस्वीर में दी हुई है कि यहाँ पे टेम्पलेट को रिपीट करना जरूरी नहीं है, ठीक है? 1 मिनट ना, ओके okay. तो 1 मिनट। मैंने मोबाइल पे खोला हुआ है इसको। ये डिस्क्राइब इमेज है। एक कोई सेकेंड, बात नहीं, आराम से एक आराम से सेकेंड, आराम से। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट दे दें। अच्छा, ये कौन सी है तस्वीर? ये नंबर है 938। अच्छा, मैं मोमेंट में इसको, आप बोलिए, मेरे कॉल आ रहा है, नेट मैं पे कॉल बोलती आ हूँ। रहा है। नहीं, आप कॉल नहीं अटेंड करिए, आप मुझे सुनिएगा। हियर इज एन इन्फॉर्मेटिव पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज अबाउट द डिफरेंट प्लैनेट। आई कैन सी देर इज फेरिस, आई कैन सी देर इज कन्फर्म्स कॉनिफर्स, आई कैन ऑल्सो सी फ्लावरिंग प्लांट्स टाइप ऑफ प्लांट, आई कैन ऑल्सो सी मॉसेस एंड कैक्टी। आई कैन सी देर इज द हाइएस्ट रेशियो इज अबाउट 175 एंड द मिनिमम क्वान्टिटी इज अबाउट 100। आई कैन सी दैट कैक्ट फ्लावरिंग प्लांट्स टाइप ऑफ प्लांट इज द हाइएस्ट एंड आई कैन सी दैट फेरिस इज द लोएस्ट। इन कंक्लूजन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। बस मैंने सारी चीजें पढ़ ली, सारे परसेंटेजेस भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। आपको समझ आई? हाँ समझ मेरे को आ गई, आई कैन से सब। आपने जो मिस की, क्या फोटो में सब है, सब बोल दिया है, और टेम्पलेट में मैंने बोला है उसमें फोटो की कोई डिटेल ही नहीं है, कम डिटेल ही थोड़ी कवर थी। हाँ, तो आपने जब बोलना है ना तो तस्वीर की डिटेल्स बोलनी है। आप बोल दें आई कैन सी देर इज 25% एंड 50%, आई कैन ऑल्सो सी 75% एंड 100%, आई कैन ऑल्सो सी 125% 150%, आई कैन ऑल्सो सी 175% और 200%। इसमें टेम्पलेट भी याद नहीं करना पड़ा, आप सिर्फ इतना कह रहे हो आई कैन सी, और जो दी हुई चीजें वो आपने इज पढ़ी, अबाउट ठीक है? 170। आप पढ़ें इसको, आप पढ़ें, मैं देखूँ कैसे पढ़ते हैं। और शाय नहीं हो, कॉन्फिडेंट हो, बड़े। पिक्चर इज गिवन इन फ्रंट मी, आई कैन सी ऑल्सो फॉर्म्स, आई कैन सी ऑल्सो कॉनिफर, आई कैन सी ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट्स टाइप ऑफ प्लांट्स, आई कैन सी ऑल्सो मॉसेस, आई कैन सी ऑल्सो कैंटी, वन ऑफ द मोस्ट फ्लावर्स एंड प्लांट्स इज 175 बिटवीन। सॉरी मैम, कुछ कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, एक और कॉन्फिडेंस चीज नहीं आ है, रहा है किसी। कोई बात नहीं। इसके नीचे जो है ना, आप तस्वीर के नीचे ना, उन्होंने एक सैंपल भी दिया हुआ है कि इसको कैसे पढ़ते हैं। जो भी प्रैक्टिस करें ना, करने के बाद जो आपका स्कोर आ जाता है ना, एक दफा उसको पढ़ें कि उन्होंने इसको कैसे डिस्क्राइब किया। ये देखिए लिखे हुए, द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्लानट प्लांट टाइप्स एंड देयर क्वांटिटीज। इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव पिक्चर। अकॉर्डिंग टू द पिक्चर आई कैन सी प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड कॉनिफर्स फ्रॉम द पिक्चर। एक जगह रुके, तो फ्रॉम द पिक्चर
आई कैन सी फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मोसेस, दो चीजों को साथ बोले मैंने, जब आप कह रहे हो ना आई कैन सी तो दो चीजें साथ पढ़े, फिर कहें आई कैन सी भी दो चीजें साथ पढ़े. आई कैन सी फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मोसेस, मोवर आई कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट द हाइएस्ट वैल्यू इज फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स विच इज अराउंड 190 एंड द लोएस्ट वैल्यू इज फॉर फर्न्स विच इज 110. लास्टली आई कैन सी देयर आर कैक्टी एंड क्वांटिटी. तो ये थोड़ी मुश्किल अंग्रेजी है मगर यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो कि उस चीज को पढ़ना कैसे. ठीक है ठीक है. और ओके ओके, और रिपीट सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अच्छा चलो अच्छी बात. रिपीट सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो, आंसर शॉर्टेज, रिटेल लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रिटेल डिटेल लेक्चर लेक्चर में में प्रॉब्लम तो उसको पढ़े देखूं क्या. उसमें तो हमारे पास टेम्पलेट है, वही यूज करता हूँ। टेम्पलेट याद नहीं है लेकिन ट्राई करता हूँ। वो ऐसे बोलता मैम मैं टेम्पलेट बताओ मैम मैं ऐसे करता हूँ, टेम्पलेट टेम्पलेट को भी बताओ आप। देखें, टेम्पलेट को भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं. ठीक है आपने जो है जो टेम्पलेट दिया हुआ है उसके अंदर आपने या तो फ्रेजेस नोट किए रहे करें या फिर वर्ड्स नोट करें. ठीक है और टेम्पलेट भी अगर वो जो उसने बातें कही है ना जब आप नोट करते हो आप देखते हो कि अगर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपने नोट कर ली हैं आपके पास बहुत अच्छी चीज मटेरियल आ गया है ज़्यादा मटेरियल तो फिर आप उसको पढ़ लें. अगर आप देखते हो कि ज़्यादा चीज़ें आप नोट नहीं कर सके फिर आप टेम्पलेट को इस्तेमाल करें और टेम्पलेट के अंदर चीज़ें वो टेम्पलेट भी कैसे यूज़ करना है वो भी उसकी मैंने देखिए मैंने 9 वीडियोस बनाई हुई हैं. आप एक दफ़ा बैठ के ना वो वीडियोस देख लें तो आपको हेल्प मिल जाएगी. आंसर रोड क्वेश्चन में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सारे मत से मार खाते क्योंकि नॉलेज है थोड़ा रिलेटेड मेडिकल। तो राइटिंग टास्क में समराइज रिटन टेस्ट, उसकी भी आपने वीडियो डाली है। और राइट हाँ ऐसे वो में टेम्पलेट कौन सा यूज करना नहीं समराइज रिटन टेक्स्ट में कोई टेम्पलेट नहीं होता. मैंने उस वीडियो में बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि कोई भी टेम्पलेट नहीं होता. की बात। नहीं समराइज देखे एसए में भी इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप टेम्पलेट कौन सा यूज करें और कैसे यूज करें उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है. और आपने इसकी तो बनाई है, रीडिंग की भी बनाई हुई है और फिलिंग द ब्लैंक्स की भी बनाई हुई है। हाँ जी ये मैंने सारी बनाई हुई तकरीबन सारी बनाई हुई ओके, तो मेरे कल मैंने जो टेस्ट दी थी ना रीडिंग की राइटिंग की, उसमें समराइज स्पोकन टेस्ट आया। तो समराइज स्पोकन टेस्ट में मेरे को 7 में से 2 ही 2 मार्क्स ही आए, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आई तो पता नहीं। उसका पहले टेम्पलेट में कोई आप एक चीज ठीक कर लेना. पहले आप सिर्फ अपने लिसनिंग का टेस्ट ठीक करें जो सिर्फ सेक्शनल होता है ना मॉक पहले वो दें. सेक्शन वाइज मॉक दे रहा हूँ मैं, कल से मैंने हाँ वही स्टार्ट किया। हाँ पहले आप स्पीकिंग ठीक करें अपनी. आप मुझे वीडियो शेयर कर देना आपकी मैं अपनी आपको लिंक भेज रिकॉर्डिंग देती हूँ. की। तो थैंक यू मैम। वो दूसरी बात करनी थी मैम आपसे, वो कि आप पेड पेमेंट लेते हो और सजेशन देते हो सब कुछ, हो तो मुझे भी कीजिए तो मैं आपको दे दूँगा। हाँ अभी तो खैर डेमो था मैं डेमो के पैसे नहीं लेती. आप देखें कि आपकी इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही. अगर आती है तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें वरना मैं बिला वजह मैं किसी से पैसे नहीं लेती. अगर मैं देखती हूँ ना कि उनके इम्प्रूवमेंट आ रही है तो ही मैं पैसे लेती हूँ. ओके मैम, ओके हाँ तो पहले आप जो मैंने याद, आपको आप वीडियो दे देता हाँ हूँ। पहला तो मैं हमेशा फ्री में ही लेती हूँ डेमो क्योंकि ओके अगर किसी थैंक की यू। इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो मुझे बिला वजह किसी के पैसे ऐसे नहीं चाहिए ना. मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे किसी से पैसे लेना अगर उसको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही.
ठीक है, तो आप, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ अपनी वीडियोस का, उसमें 9 9 वीडियोस हैं, आप उनको देखें, आप उनको देखें, साथ साथ प्रैक्टिस करें, आपकी इंशाल्लाह आएगी इम्प्रूवमेंट, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? भले आप 3 4 दिन ले लें और उसको प्रैक्टिस करें। मैं लीव हो सकता हूँ मैम? जी, मैं एंड करती हूँ।